आई बी वॉट यू वॉन्ट दैट्स हाउ यू अट्रैक्ट वॉट यू वॉन्ट. टूडे इज 7th of July 2022. लेट अस हैव अ क्विक डिस्कशन ऑफ ऑल दीज इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स. दिस इज टेलीग्राम क्विज. एवरी डे इन मॉर्निंग वी आर हैविंग 5 सच क्वेश्चंस इन अवर टेलीग्राम चैनल. जॉइन. देन दिस इज क्विज नंबर 67 करंट अफेयर्स. कंचोट फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन जम्मू एंड कश्मीर. Annual Status of Education Report ASER is published by Pratham Foundation. Medaram Jatara Festival celebrate होता है Telangana में. Union Ministry जिसने launch किया है New Frontiers Program आजादी का अमृत महोत्सव उसका नाम है Ministry of New and Renewable Energy. Kane Betwa Link Project Authority first institution है जो set up हुआ है under National River Interlinking Policy. क्विज नंबर 68 एनवायरनमेंट. आज के सवाल हैं, दाचीगाम नेशनल पार्क इन श्रीनगर बोस्ट्स ऑफ हाउसिंग सम ऑफ द रेयरेस्ट स्पीशीज इन द वर्ल्ड, द मोस्ट एमिनेंट ऑफ देम बीइंग. तो ये जो नेशनल पार्क है श्रीनगर में, यहाँ कौन सी स्पीशीज प्राइमरली मिलती है. विच ऑफ द फॉलोइंग नेशनल पार्क इन इंडिया इज द ओनली फ्लोटिंग पार्क इन द वर्ल्ड. फ्लोटिंग पार्क. This is mutagens are chemicals that affect the. ये किसको affect करते हैं. Which of the following solvents is used in refrigeration and is a known culprit of ozone layer depletion. Ozone layer depletion. Montreal Protocol. The outbreak of itai-itai diseases in Japan occurred due to what. किसकी poisoning से ये हुआ था. आज की vocabulary है Oodles, इसका मतलब है वो बहुत संख्या में है, abundance है, basket full है, boat load है, a very great number or amount of something. Suffuses का मतलब होता है फैलाना, gradually spread through or over, permeate करना, spread throughout. Concomitant का मतलब होता है सहगामी, naturally accompanying or associated, attendant, associated. Nihilism का मतलब होता है शून्यवाद, the rejection of all religious and moral principles in the belief that life is meaningless, disbelief, rejection, like that. Hollering का मतलब होता है चिल्लाना, give a loud shout or cry. So ये कुछ vocabulary words हैं आज के लिए. If you come across any other important word, write down that word along with its meaning in the comment section down below. Language proficiency बहुत important है. Now this is CSAT. CSAT is again very very important. Throughout the year आप CSAT ऐसे practice करिए, जब exam आएगा तो आपका सारा time energy आप GS1 में लगाना. जो CSAT है इसके लिए आपको bother नहीं करना पड़ेगा. So this is CSAT. Try to read this reading comprehension paragraph and answer this question. Then this is one another. This is maths. Try to answer this question. आज के न्यूज़ बाइट में पहले हम देखते हैं 4th of July था, 125th बर्थ एनिवर्सरी ऑफ अल्लूरी सीताराम राजू जी. आप फ्रीडम फाइटर थे. 4th of July 2022 आपका 125th बर्थ एनिवर्सरी है. प्राइम मिनिस्टर साहब ने अभी यहाँ पे विजिट भी किया था आंध्र प्रदेश में 125th बर्थ एनिवर्सरी सेलिब्रेट करने के लिए. आज़ादी का अमृत महोत्सव, एक 30 फीट टॉल ब्रोंज स्टैचू भी यहाँ पे अनवील किया गया. 4th of July स्वामी विवेकानंद जी का डेथ एनिवर्सरी भी है. 12th जनवरी 1863 को आपका जन्म हुआ था कैलकटा में, और 39 ईयर की एज में 4th ऑफ जुलाई 1902 पे यू ही पास्ड अवे. फिलोसोफर्स, जो इन्होंने फिलोसफी इंट्रोड्यूस की थी वो थी प्राइमरली आइडियल्स ऑफ वेदांत एंड योगा, इंडियन मिस्टिक. आपने फाउंड किया था रामकृष्ण मिशन एट बेलूर मठ बाय द रिवर गंगा. सो दिस इज स्वामी विवेकानंद जी. ये अगेन काफ़ी इम्पॉर्टेंट दिस कंपाइलेशन है, टेबल है. इसमें जो टॉयज़ हैं, जो रीजनल टॉयज़ हैं, ये काफ़ी अच्छा यहाँ पे लिस्ट दिया हुआ है. दिस इज़ अगेन इम्पॉर्टेंट. जैसे छन्ना पटना टॉयज़ जो होते हैं, किन्नल टॉयज़ होते हैं, ये कर्नाटका के होते हैं. इतिको पक्का टॉयज़ या फिर कोंडापल्ली टॉयज़ आंध्रा के हैं. निर्मल टॉयज़ तेलंगाना के हैं. तंजावर की गोलू डॉल्स और चोपू समन तमिलनाडु का है. लाई फाडीबी ये मणिपुर का है. देन अशारी कांडी टेराकोटा टॉयज असम है. टेराकोटा का मतलब क्या होता है टेल, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ टेराकोटा. हमने इंडस वैली सिविलाइजेशन में भी पढ़ा था, वो टेराकोटा के लाइक यूटेंसिल्स या फिर टॉयज समथिंग बना रहे थे. व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ दिस टेराकोटा.
संबलपुर टॉयज हैं पेपर मैश एंड स्टोन टॉयज ओडिशा के, देन दिस इज चनकाना, घुग्गू, लट्टू, हंडवाई, ये हैं पंजाब के टॉयज, और गुजरात में है थीगड़ा, ढींगला। ओके, सो दीज आर सम रीजनल टॉयज। आर्ट एंड कल्चर में ऐसे सवाल कई बार पूछे गए। नाउ लुक एट दिस मैप, ये हमारा इंडिया है, दिस इज ग्वादर पोर्ट, दिस इज चाबहार पोर्ट, चाबहार पोर्ट है ईरान में। देन अगर हमें रशिया जाना है तो दिस इज INSTC, ओके, नॉर्थ साउथ दिस ट्रांसपोर्टेशन कॉरिडोर। तो ये जो पूरा एरिया है ये ट्रांसपोर्टेशन के लिए बहुत सिग्निफिकेंट है। सबसे पहले हम चाबहार पोर्ट की बात करते हैं। चाबहार, ये इंडिया, अफगानिस्तान, ईरान ने एक हिस्टोरिक डील साइन किया था, इंटरनेशनल ट्रांसपोर्ट एंड ट्रांजिट कॉरिडोर 2016 चाबहार अग्रीमेंट के अंदर। तो दिस इज चाबहार पोर्ट, दिस इज इन ईरान। अब ये जो ग्वादर पोर्ट है ये है सीपैक का एरिया, सीपैक मतलब चाइना। तो यहाँ जो चाबहार पोर्ट है, बिकॉज इंडिया को एक्सेस चाहिए होता है सेंट्रल एशिया का, पाकिस्तान के थ्रू वो एक्सेस मिलता नहीं है, सो दैट इज़ वाई वी वर ट्राइंग कि हम समहाउ पहुँच जाएँ ईरान बाय द सी रूट। ईरान से हम अफगानिस्तान भी जा सकते हैं, ईरान से हम पूरा सेंट्रल एशिया ऐसे करके सब कवर कर लेंगे रशिया। सो दिस वॉज द आइडिया, बट ईरान के साथ प्रॉब्लम होती है जो US वहाँ पे सैंक्शंस लगाता है। सो दैट इज़ वाई चाबहार पोर्ट जो जिस स्पीड से ग्रोथ डेवलपमेंट होना था वो कभी हो नहीं पाया। ये लोकेटेड है गल्फ ऑफ ओमान में, ऑनली ओशियनिक पोर्ट है विद डायरेक्ट ओशन एक्सेस। सिग्निफिकेंस ये है, एक तो ग्वादर पोर्ट को काउंटर कर सकते हैं और हमारा एक्सेस हो जाएगा दिस सेंट्रल एशिया में। तो एक INSTC भी है, 7200 किलोमीटर का मल्टी मोडल, मल्टी मोडल मतलब जैसे वहाँ पे सी रूट भी है, फिर रेलवेज भी है, फिर रोड रूट भी है, लाइक दैट मल्टी मोडल। तो सी रोड रेल रूट है इंडियन ओशन से, कैस्पियन सी से, पर्शियन गल्फ से, रशिया, नॉर्दर्न यूरोप, इंडिया, ईरान, रशिया, ऐसे करके एक्सेस का प्लान है। बट इसमें भी अभी बहुत सिग्निफिकेंट दिस डेवलपमेंट प्रोग्रेस नहीं हुआ है। तो इंडिया को एक्सेस चाहिए एनर्जी रिच सेंट्रल एशिया का, आर्कटिक का, नॉर्डिक का और बाल्टिक का। सो दैट इज़ वाई ये जो ग्वादर पोर्ट है ये हमारे लिए, दिस चाबहार पोर्ट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, नाउ दिस इज 7th of July 2022। ये जो दो सवाल हैं ये PYQ है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है 2019 मेंस के GS1। अब हम PYQ तो कंटिन्यू करेंगे, साथ ही साथ हम एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी देखते हैं, बिकॉज जैसे हम पहले करते थे प्रिपेयर अ नोट ऑन सम टॉपिक, करंट अफेयर्स टॉपिक, रेलेवेंट टॉपिक, वो मिस आउट हो रहा था और वो इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइज है, बिकॉज उससे हमारे करंट अफेयर्स के सेल्फ मेड सेल्फ रिटन नोट्स भी तैयार हो रहे थे। तो वी विल रिज्यूम, जब तक मेन्स एग्जामिनेशन है हम ये वाले सवाल भी देखेंगे और साथ ही साथ एक थर्ड क्वेश्चन पे जो नॉर्मल फॉर्मेट था हमारा प्रिपेयर अ नोट, सो दैट एक टॉपिक भी अच्छे से प्रिपेयर हो जाए, वी विल कंटिन्यू। तो ट्राई टू अटेम्प्ट ऑल दीज क्वेश्चंस। ये है 5 years ऑफ GST रिजीम, सो दिस इज 7th of July 2022। नाउ सी, आप जो भी सबमिशन कर रहे हो, जैसे आज हम 5th of July का डिस्कशन करेंगे, हम +2 साइकिल फॉलो कर रहे हैं, आज सवाल दिया है तो नेक्स्ट टू नेक्स्ट डे उसको डिस्कस करेंगे। आप ये सारे जो आंसर्स लिख रहे हो इसको आप पेन एंड पेपर में ऐसे कॉपी में लिखो, कॉपी में A4 साइज की कॉपी में लिखो, उस कॉपी का आप एक फोटोग्राफ क्लिक करो अपने मोबाइल फोन से और उस फोटो को ज्वाइन द डिस्कशन में जाके अपलोड कर दो। इट इज एज सिंपल एज दैट। आप लॉगिन के लिए अपना गूगल अकाउंट यूज़ करो, ज्वाइन द डिस्कशन में जाओ एंड देन यहाँ पे आप पोस्ट कर दो उसे, तो आपके आंसर्स सारे यहाँ पे अपलोड हो जाएंगे। जो सारे आंसर्स यहाँ पे अपलोड होंगे मैं सारे आंसर्स यहाँ पे देखने वाला हूँ, सबको यहाँ पे अच्छे से रिव्यू करके प्रॉपर फीडबैक दूंगा। ओके, डू नॉट वरी अबाउट दैट। और अगर ज़्यादा एंट्रीज होगी तो मैं उसको एक सेपरेट वीडियो भी बना दूंगा, ऑलराइट, बट पार्टिसिपेट, बिकॉज लिखना बहुत ज़रूरी है, बिना लिखे फाइनल सिलेक्शन नहीं होगा। ओके, सो दिस इज 5th of July 2022। अब जैसे देखो 1857 का इसमें हमें बताना था, मैं आपसे PDF भी शेयर कर रहा हूँ, उसमें एक मॉडल आंसर्स वगैरह भी थे। 1857 कल्मिनेशन ऑफ रेकरेंट, ये बताना था। दूसरा था मैनग्रोव्स का, इम्पॉर्टेंस मेंटेनिंग कोस्टल इकोलॉजी। अब देखो ये जो आंसर राइटिंग है ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, दिस इज़ नॉट अ रॉकेट साइंस। मोस्ट ऑफ यू ने स्कूल पास कर लिया है, यू आर इनफैक्ट नाउ अ ग्रेजुएट, तो आपको लिखना आता है, बी कॉन्फिडेंट, कुछ नई चीज़ यहाँ नहीं है, जो जैसा अभी तक लिखते आ रहे हो 10th 12th कॉलेज में वैसा ही यहाँ पर भी लिखना है।
तो जस्ट आप अपना नॉलेज बेस ब्रॉडन करो, बेस्ट टू बेस्ट आंसर प्रिपेयर करने की कोशिश करो, और जो पीयर लर्निंग है उस पर एम्फेसिस करो, बिकॉज ये जो एग्ज़ाम होता है ना, ये आइसोलेशन में तैयारी नहीं होती, इसमें पीयर लर्निंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है. तो लर्न, दे आर सो गुड, सी ये कितना अच्छा आंसर है, लुक एट द हैंड राइटिंग, लुक एट द कॉन्टेक्स्ट, लुक एट द स्टाइल ऑफ प्रेजेंटेशन, लुक एट द कॉन्टेंट, लर्न ऑल दीज थिंग्स फ्रॉम ईच अदर. और ऐसा माइंड फ्रेम नहीं बनाना है कि कोई स्पून फीडिंग करेगा, यू हैव गॉट द प्लेटफॉर्म, यू हैव गॉट द डायरेक्शन, नाउ परफॉर्म, एक्ट, दिस इज ऑन यू. ओके, सो सबमिट, राइट एंड सबमिट. अब सी दिस इज रियली रियली गुड, कितने अच्छे से पॉइंट्स बताए. अब सी दिस इज स्टाइल, 1, 2, 3 हेडिंग, सब हेडिंग, क्वेश्चन को पढ़ना है, डेटा लिखना है, उसके अराउंड लिखना है, प्रेजेंटेशन राइटिंग अच्छा नीट एंड क्लीन लिखना है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. बस ये छोटी छोटी बातें हमें याद रखना है, डेली आंसर लिखना है, ऑटोमेटिकली विद इन अ मंथ यू विल सी रिमार्केबल इम्प्रूवमेंट, बट यू विल हैव टू पुट सम एफर्ट्स, you will have to put some efforts, there is no magic, you will have to put some efforts, okay, so this is good. अब देखो second में diagram भी आया, geography था. see ये सारे points आप पढ़ो, कितना अच्छा content है इसमें पूरा, यहाँ पे सारे जो mangroves हैं इंडिया के वो भी mention किया है, wonderful. शगुफ्ता की copy देखो, see कितने अच्छे से ये पूरा intro लिखा, पॉइंट वाइज लिखा, मैप भी ड्रॉ कर दिया, एक्सेलेंट. देन ये मैनग्रोव्स के फैक्ट्स बताए, दिस. अब आप इसको थोड़ा और बेटर कैसे बना सकते हो, फॉर्मेट यूज़ करो, प्रॉपर मार्जिन, मार्जिन होना चाहिए इस पेज में भी, और उसके विद इन लिखना है हमें, ओके, इससे और क्लैरिटी ऐड होगी कॉपी में. सो दिस इज़ गुड, पॉइंट्स वगैरह सब बहुत अच्छे हैं, दिस इज़ रियली रियली गुड. अब देखो प्रिंसी की कॉपी, सी कितना सिस्टमेटिक है ये, सी दिस इज़ वेरी गुड, पॉइंटर्स, हेडिंग, सब हेडिंग, कॉन्टेंट, डायग्राम, वेरी नाइस. सी प्रैक्टिस, प्रैक्टिस एंड मोर प्रैक्टिस, स्पेशली अगर आप वर्किंग प्रोफेशनल हैं तो आपको और प्रैक्टिस करनी चाहिए, बिकॉज आप अभी स्कूल कॉलेज से दूर जा रहे हो, जितना दूर जाओगे उतना ही डिफिकल्टी आपको आएगा, अभी आप स्टूडेंट मोड में नहीं हो, तो यू शुड राइट समथिंग एवरी डे, अंडरस्टैंड दिस. ओके, प्रणव, अब नाउ सी कितने अच्छे से प्रणव ने पहले ये बताया यहाँ पे, दिस सी, तो दिस इज इनोवेशन, ये आप अपना अपनी तरफ से इनोवेट करो, विजुअल्स बेटर हो गए, कम शब्दों में हमने ज़्यादा चीज़ें एक्सप्लेन कर दी, वेरी नाइस. अब सी दिस डायग्राम, सो गुड, वर्ल्ड मैप का यहाँ पे बनाया, अब प्रॉपर इसमें इन वो जो होता है नेमिंग भी करें, यहाँ पे नाम लिखें, कॉन्टिनेंट्स के नाम लिख सकते हैं, तो थोड़ा और विजुअल्स बेटर हो जाएंगे. ओके, सी दिस इज़ वेरी वेरी नाइस, सारे पॉइंट्स यहाँ पे लिखे हैं, एक्सेलेंट. आप जितना लिखोगे ना तो राइटिंग स्पीड भी बढ़ेगी आपकी. नंदिनी, दिस इज अगेन सो गुड, सी सारे पॉइंटर्स हैं यहाँ पे, वेरी गुड. सी आप आंसर लिखो, उसका फोटो खींचो और अपलोड कर दो, इट्स एज सिंपल एज दैट, देन वे फॉरवर्ड, वेरी गुड, स्ट्रक्चर्ड. सपना, दिस इज अगेन सो गुड, 1857, अब ये स्टाइल भी देखो, तो लर्न फ्रॉम ईच अदर, दिस इज व्हाट आई वांट टू से, लर्न. अयान, दिस इज वेरी गुड सपना, अयान दिस इज अगेन सो गुड, सी कॉपी कितना साफ है यहाँ पे, कितना नी, और इस मैप को देखो, दिस मैप इज सच अ गुड मैप, वेरी वेरी गुड मैप, वेल डन. सी सारे पॉइंटर्स हैं, तो ऑब्वियसली ऐसी कॉपी में एक्स्ट्रा मार्क्स जो है आधा एक नंबर वो मिलेगा यहाँ पे. कंटेंट भी अच्छा है, प्रेजेंटेशन भी अच्छा है. सुमन का देखो, हैंड राइटिंग, अंडरलाइन है, नीट एंड क्लीन, पर लर्न दीज थिंग्स, और ये हैबिट्स आज ही डेवलप होगी, ऐसा नहीं होगा कि प्रिलिम्स निकाल के एक दिन में आप खुद को बदल दोगे, आज ही से पुट सम एफर्ट्स. सुमन, एक्सेलेंट, यू आर डूइंग एन अमेजिंग जॉब, आप कंसिस्टेंसी मेंटेन करना, आप बहुत अच्छा करने वाले हो मेन एग्जाम में. अयान, यू आर ऑल्सो रियली रियली गुड, सी दिस इज़ रियली नाइस, वंडरफुल कॉपी. सतेंद्र, आपकी भी राइटिंग बहुत अच्छी है और हिंदी का जो भाषा की पकड़ बहुत अच्छी है, जितना लिखोगे उतना ही रिफाइनमेंट आएगा, कॉन्टेंट भी अच्छा होगा, लिखने की प्रैक्टिस भी अच्छी होगी, और स्टडी ऑन ट्रैक रहेगी, डिसिप्लिन रहेगी. आरती, एक्सेलेंट, आरती इज वेरी रेगुलर, सी कितने अच्छे से ये सारा प्रेजेंटेशन एंड ऑल पॉइंटर्स, एक्सेलेंट. सारे कंटेंट्स को हमें, आंसर्स को डॉक्यूमेंट भी करना है और टाइम टू टाइम हमें उसको रिवाइज भी करना है. के का हैंडराइटिंग देखो, दिस इज सो नाइस, वेरी गुड, सी द प्रेजेंटेशन, एवरीथिंग एक्सेलेंट, वेरी गुड आंसर. सी कुछ इसमें हम और स्कीम्स और लेटेस्ट करंट अफेयर्स का भी एक्स्ट्रा मटेरियल ऐड कर सकते हैं. ठाकुर, दिस इज अगेन सो नाइस, वेरी गुड, सी ट्राइबल, अब यहाँ पे फ्लो चार्ट बना दिया. लर्न, लर्न, इनोवेट करो, सीखो, कॉजेज ऑफ डिप्लीशन इन मैनग्रोव, एक्सेलेंट. मैनग्रोव, दिस इज मैनग्रोव, क्या होते हैं, अब यहाँ पे एक डायग्राम होना चाहिए, दिस इज द डायग्राम, मैनग्रोव का भी हम डायग्राम बना सकते हैं, दिस इज मैप. ओके, वेरी नाइस, दिस इज रियली रियली गुड. ओके, सो सबमिट योर आंसर्स, आई विल रिव्यू ऑल द आंसर्स, बट यू हैव टू सबमिट, और सबमिट ऑन वेबसाइट. सी रत्नाप्रिया, एक्सेलेंट वर्क वंस अगेन, आप पहले भी बहुत अच्छे आंसर्स लिख रहे हो, आपका
क्वालिटी इज रियली रियली गुड, यू आर पुटिंग सो मच एफर्ट, ये आपको बहुत काम आएगा, वेरी गुड। और जो हम यूपीएससी में लिखते हैं ना, स्टेट पीएससी भी मोर और लेस ऐसे ही होता है, कोई डिफरेंस नहीं है। अच्छा आंसर होता है, चाहे वो पीएससी में पूछे, सीएपीएफ, एनीवेयर, अ गुड आंसर इज अ गुड आंसर। ओके, सो दिस इज 7th of July, ट्राई टू आंसर दीज 3 क्वेश्चंस। देन दिस इज द हिंदू, हम यूट्यूब के कॉमेंट्स भी देख लेते हैं 6th of July। अब सी, यहाँ भी यू हैव टू पार्टिसिपेट। सी, जैसे दमन, यस दमन, बहुत अच्छे से तैयारी करना है हमें और कंटिन्यू करना है। सपना, वोकैबुलरी, सी दिस इज रियली गुड, ये सारे बहुत अच्छे वोकैब वर्ड्स हैं। सौम्या, एक्सेलेंट, दिस समीर, सी एफएमसीजी यहाँ पे बताया, सप्लीमेंट्री नॉलेज, प्रोएक्टिवनेस, आप इन चीज़ों को देखोगे, एक्स्ट्रा 2-3 चीज़ें और आप देखोगे, यही चीज़ एक्चुअल में काम आएगी एग्जाम में। एनजीटी पे बहुत अच्छा नोट बने। अब लुक एट द वर्क ऑफ साक्षी, कितना अच्छे से ये सारी चीज़ें यहाँ पे लिखा है, दीज आर सच शॉर्ट क्रिस्प टू द पॉइंट नोट्स, दीज आर रियली रियली वेरी गुड क्वालिटी। सी, वेरी गुड, ब्लिट्स क्री ग्रेटिफिकेशन, एक्सेलेंट वर्क, वंडरफुल। सुंदर, पेंटअप डिमांड, वेरी गुड, इलास्टिक डिमांड, राम नरेश, सी सेट एंड क्विज, वंडरफुल। राज, अब सी, अजय ने जीएसटी पे कितना शॉर्ट एंड प्रिसाइज नोट बनाया, वंडरफुल स्ट्रक्चर। एनजीटी का भी बनाया, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी गुड, राज ने भी एनजीटी का बनाया। सी, यही छोटे छोटे नोट्स आपको एक्चुअल में टैम्पलेट्स काम आएंगे से मेन एग्जामिनेशन में भी, वेरी गुड। एनसीईआरटी विल स्टार्ट, यू हैव माय वर्ड ऑन दिस, विल स्टार्ट। देन दिस इज सुंदर, वेरी गुड, अजय, सोमनाथ, एक्सेलेंट, वेरी नाइस, नेहा, थैंक यू। देन दिस इज गायन, वोकैबुलरी, वेरी नाइस, गुड इवनिंग अरविंद, सुंदर, राम नरेश, पुष्पेंद्र, वेबसाइट जैसा अभी मैंने बताया ना, वहाँ पे जाके देखो, सारे आंसर्स हैं वहाँ पे। सबीर, दमन, कीर्ति, कीर्ति ने भी कितने अच्छे से सारा कंटेंट यहाँ पे देखा। अपना जो कंटेंट यहाँ पोस्ट कर रहे हो ना, उसको भी अपने साथ रखा करो, उसको अपनी एक सेपरेट फाइल बना लो और उसमें सारा पेस्ट करते जाओ, ताकि आपको बाद में रिवाइज करना होगा तो आप अपना सारे आंसर्स क्विकली रिवाइज कर पाओगे, तो ये आपको बहुत हेल्प करेगा। ओके, एक अलग से फाइल बना लो, कमेंट पोस्ट करने के साथ साथ उस फाइल में अपने डे वाइज सारे कमेंट्स उसमें ऐड करते जाओ, जो आंसर्स वाले, दिस विल हेल्प यू अलॉट। ओके, सो दिस इज 7th of July 2022। आज भी हमारी मेंस क्लासेस और प्रिलिम्स क्लासेस कंटिन्यू होगी, आज ये सारा पेपर विद मॉडल आंसर हम कंप्लीट करेंगे मेंस में। ये सेशंस बहुत अच्छे हो रहे हैं, मेन एग्जामिनेशन, दिस इज रियली रियली वंडरफुल, और बहुत अच्छे यहाँ पे हम ब्रेनस्टॉर्मिंग कर रहे हैं, दिस इज गोइंग टू हेल्प अ लॉट। इकोनॉमिक्स में भी हमने ये 3 चैप्टर पढ़ लिए हैं, आज हम पढ़ेंगे इकोनॉमिक प्लानिंग इन इंडिया, इकोनॉमी क्या होता है, कैसे इकोनॉमी होता है, नीति आयोग क्या क्या रोल है, और क्विज आज हम देखेंगे। ओके, सो दिस इज July 7th 2022। ओके, नाउ दिस इज फर्स्ट न्यूज, स्पाइसजेट गेट्स DGCA नोटिस फॉर सेफ्टी लैप्सेस। एविएशन में वैसे तो कहीं भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट में जो सेफ्टी है वो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होनी चाहिए, बट जब बात आती है एविएशन की तो हम कुछ एक्स्ट्रा केयरफुल होते हैं। अभी जैसे ऑपरेटर्स हैं, यहाँ पे स्पाइस जेट के अभी रिसेंटली कुछ केसेस आए जिसमें यहाँ पर नेग्लिजेंस देखा या फिर कुछ लैप्सेस हुए, तो दैट इज़ वाई ये जो DGCA है, DGCA क्या होता है, डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन, डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन ये काइंड ऑफ रेगुलेटरी बॉडी है, सुपरवाइजरी बॉडी है, इसने इशू किया है नोटिस स्पाइस जेट को कि ये ऐसे लैप्सेस क्यों हो रहे हैं। रेगुलेटर ब्लेम द एयरलाइन फॉर पुअर सेफ्टी ओवरसाइट, फेलियर टू प्रोक्योर स्पेयर पार्ट्स फॉर एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस ड्यू टू पुअर फाइनेंशियल स्टेटस। अब जो स्पाइस जेट है, इसने कहा बिकॉज फाइनेंशियल स्टेटस ठीक नहीं है तो दैट इज़ वाई स्पेयर पार्ट्स मेंटेनेंस में यहाँ पे प्रॉपर नहीं हो पाए, बट ये कोई रीज़न नहीं हो सकता, यहाँ पे पैसेंजर्स की लाइफ की बात है, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी शुड बी पैरामाउंट। सी, पैसेंजर सेफ्टी इज पैरामाउंट, इवन द स्मॉलेस्ट एरर हिंडरिंग सेफ्टी विल बी थोरली इन्वेस्टिगेटेड एंड कोर्स करेक्टेड। तो ये कुछ केसेस हुए थे, सो दैट इज वाई यहाँ पर ये नोटिस इशू किया है। देन दिस इज द फ्रंट पेज, अब सी दिस इज अनदर पेनफुल न्यूज, और ये है लैंडस्लिप। हमने कई बार इस टॉपिक को अभी देखा है रिसेंटली, भूस्खलन, तो व्हीकल्स जैसे यहाँ पे डेबरी में लैंडस्लिप, शिमला ऑन दिस, तो एंटायर दिस नॉर्दर्न हिमालय, दिस इज हिमालय, नॉर्थ ईस्ट हिमालय, एंटायर हिमालयन बेल्ट, एंटायर वेस्टर्न बेल्ट, इवन जो हिल्स भी हैं इन बिटवीन दिस एंटायर दिस इंडियन कॉन्टिनेंट में, सब कॉन्टिनेंट में, यहाँ लैंडस्लिप बहुत कॉमन होता जा रहा है।
रेनफॉल का स्पेटियल एंड टेम्पोरल वेरिएशन एंड एंथ्रोपोजेनिक फैक्टर्स यहाँ पे प्राइमरली कल्प्रिट है। एलपीजी का प्राइस बढ़ गया है तो अभी गवर्नमेंट से अंडर रिकवरी कर रही है एलपीजी सिलेंडर, बिकॉज क्रूड ऑयल का कुछ टाइम तक बहुत ज़्यादा प्राइस हाई था, बट अब इन्फ्लेशन ऑलरेडी है और जो एलपीजी है इसमें भी कीमत बढ़ रही है, तो दिस कॉजेज अ लॉट ऑफ डिसकम्फर्ट एंड डिफिकल्टी टू ऑर्डिनरी पीपल। सो दिस इज देयर पेट्रोल डीजल फ्यूल एलपीजी, इसकी प्राइसेस ज़्यादा बढ़ती है तो इकोनॉमी के लिए करेक्ट नहीं है ये। सो दिस इज़ द फ्रंट पेज ऑफ द हिंदू। देन दिल्ली होस्ट करेगा इंडिया का बिगेस्ट शॉपिंग फेस्टिवल। तो अगेन इकोनॉमी में डिमांड सेल, इकोनॉमी में सर्कुलेशन ऑफ मनी लाने के लिए सच टाइप ऑफ एक्टिविटी गवर्नमेंट यहाँ पे प्रमोट कर रही है। इससे जॉब्स मिलेंगे, टूरिज्म होगा और एक थ्रस्ट मिलेगा इकोनॉमी को। आज का एडिटोरियल है, फर्स्ट एडिटोरियल है हेट क्राइम एंड पनिशमेंट। ये जो हेट क्राइम होता है इसमें स्ट्रिक्ट पनिशमेंट के प्रोविजंस होने चाहिए, और जो हेट क्राइम होता है इसका हमें पार्टनर भी नहीं बनना है, पार्टनर भी नहीं बनना है हेट क्राइम का। देयर नीड्स टू बी अ जीरो टॉलरेंस, जीरो टॉलरेंस फॉर वॉयलेंस ओवर हर्ट सेंटिमेंट्स बिकॉज ऑफ हेट स्पीच। तो पहली दफ़े तो हेट स्पीच को ही हमें प्रमोट नहीं करना है, हेट स्पीच का पार्टनर भी नहीं बनना है, और हेट स्पीच से अगर कोई वॉयलेंस होता है तो वहाँ भी हमें जीरो टॉलरेंस रखना है। वॉयलेंस की कोई जगह नहीं है हमारी सोसाइटी में, और हेट स्पीच को भी हम नहीं दिस टॉलरेट करेंगे, हेट क्राइम एंड दिस पनिशमेंट। सो इंडिया के जो लॉज हैं, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, क्लियर है, रीजनेबलनेस ऑफ द राइट टू एक्सरसाइज, आपको पूरा हक है अपनी बात रखने का, यू हैव गॉट राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच, बट दिस इज नॉट एब्सोल्यूट, this is qualified, you have got your right to freedom, but others have also got their fundamental rights, so your right to freedom of expression and speech should not cause discomfort, should not violate the freedom, the right, fundamental rights of other citizens, so that is why this thing should be ensured. So ye India ke laws hai, aur India mein rule of law chalta hai, constitution ke hisab se kaam hota hai। सो जो ये है हेट स्पीचेस वगैरह है इसको चेक करना ज़रूरी है। जो लॉ कमीशन ऑफ इंडिया है इसने भी डिमांड किया था कि स्पेसिफिक प्रोविजंस हो इंडियन पिनल कोड में टू टेकल हेट स्पीच। जब से इंटरनेट का टाइम आया है, इंटरनेट के टाइम पे क्या होता है कि प्रोफाइल नहीं है, नेम नहीं है सही, देर इज़ लाइक कंप्यूटर के बीच में हेट स्पीच एंड हेट प्रोपोगेंडा प्रोपेल करना एनोनिमस होके बड़ा इजी भी होता है। तो जब से सोशल मीडिया एंड दिस इंटरनेट का दिस पेनिट्रेशन हुआ है वाइड स्प्रेड, सच टाइप ऑफ इंटरनेट प्रोपेल्ड एजेंडा ड्रिवन एंड समटाइम्स आउटसाइड इंडिया से नेफेरियस डिजाइन सिस्टम के थ्रू सच टाइप ऑफ दिस एजेंडा रन होते हैं, ट्राई टू लाइक डिस्टर्ब द हारमनी, ट्राई टू लाइक ब्रेन वॉश द पीपल। सो ये एक नए टाइप ऑफ वॉरफेयर भी होता है जो हम एक्सटर्नल इंटरनल सिक्योरिटी में देखते हैं, वॉरफेयर, न्यू टाइप ऑफ वॉरफेयर। तो दैट इज़ वाई सिक्योरिटी फोर्सेस को भी यहाँ पे काफ़ी अलर्ट रहने की ज़रूरत होती है, प्रोपोगेंडा न्यूज वॉरफेयर दिस इज देयर। इसमें इंडियन पिनल कोड में भी हेटफुल स्पीचेस के प्रॉपर प्रोविजंस होने चाहिए। देर इज नो जस्टिफिकेशन फॉर एनी फॉर्म ऑफ हेट स्पीच टू बी काउंटर्ड विद वॉयलेंस। हेट स्पीच है, अब उसके कॉन्टेक्स्ट में वॉयलेंस हो रहा है तो इसका भी कोई जस्टिफिकेशन नहीं है। एज द अडेज गोज, स्टिक्स एंड स्टोन्स में ब्रेक बोन्स बट वर्ड्स विल नॉट, देर मस्ट बी जीरो टॉलरेंस फॉर वॉयलेंस। वॉयलेंस की कोई जगह नहीं है, जीरो टॉलरेंस। Even as these hate crimes are investigated, it is imperative on the part of the union and state governments to quickly reassure citizens on the need for communal amity and that are purveyors of hate speech and these indulging in violence and retaliation will be prosecuted. So this is there. Union and state governments should not adopt repressive measures, enforcement authorities. So जो transgression किया है, violence किया है, crime किया है, वहाँ पे उनको accountability set करें। तो दिस इज द मैसेज ओवर हियर। ओके, देन जो नेक्स्ट है वो है चेंज्ड इक्वेशंस। यहाँ पे इंग्लैंड की बात है, कल फिर हार गए हम टेस्ट मैच, तो दिस इज इंग्लैंड टेस्ट मैच। ये आर्टिकल लिखा है सुहासिनी हैदर मैम ने, और बड़ा अच्छा आर्टिकल है। आज के प्रेजेंट जियो स्ट्रैटेजिक जो सिचुएशन है इंडिया एंड वर्ल्ड, कुछ कुछ सिचुएशन वैसी ही आ रही है जैसे कि नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट के टाइम पे थी, तब भी वर्ल्ड दो बायपोलर होता नजर आ रहा था, एक तरफ यूएसए लेड नेटो था और दूसरी तरफ यूएसएसआर था। यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेशन 1990s में हो गया,
फिर वर्ड यूनिपोलर हो गया, आज वर्ड मल्टीपोलर बनता जा रहा है। इंडिया के अगेन यहाँ पे टाइज यूएसए ग्रुप के साथ भी है और रशिया ग्रुप के साथ भी है। सो दैट इज़ वाई इंडिया को एक बहुत टाइट एंड कैलकुलेटेड मैनूवरिंग करनी पड़ेगी यहाँ पे फॉरेन पॉलिसी की। अभी कुछ इवेंट्स हुआ, जैसे रशिया का और यूक्रेन का जो वॉर है, उसके बाद ब्रिक्स समिट हुआ, G7 समिट हुआ और नेटो समिट भी हुआ। इसमें तीनों में इंडिया का जो स्टेटमेंट हुआ उस पर सबकी नज़र थी कि इंडिया किस स्टैंड को यहाँ पे ले रहा है। इंडिया ने ऑल्दो बहुत टैक्टफुली एक बैलेंस्ड अप्रोच यहाँ पे रखा है और इंडियन इंटरेस्ट को आगे बढ़ाया है। तो दिस इज़ दैट। अभी G20 का भी मीटिंग होने वाला है, तो मैसेज यहाँ पे इंडिया ने दिया है कि इंडिया बहुत सेंसिबली सारे मैटर को देख रहा है। अभी G7 की मीटिंग भी है, ये होगा, G20 की मीटिंग है बाली में। अब यहाँ पे इंडिया भी होगा, चाइना भी होगा, रशिया भी होगा एंड US एंड अदर कंट्रीज़ भी होंगे। तो ये सब एक जगह पे आ रहे हैं। अब बिकॉज यहाँ पे अगर रशिया आएगा तो देर इज़ अ प्रोबेबिलिटी कि US लेड अदर जो ग्रुप्स हैं वो यहाँ पे रिप्रेजेंट नहीं करें। सो दैट इज़ वाई इंडोनेशिया के जो होस्ट है, दिस इंडोनेशिया के चीफ, दिस इज़ जोको विडोडो, ये बहुत अच्छे से अभी पास सम टाइम में एक्टिव रहे डिप्लोमेसी इंडोनेशिया की। वो रशिया भी गए, वहाँ पे भी बात हुआ, देन दिस यूरोपियन नेटो ग्रुप से भी बात किया, बिकॉज एप्रीहेंशन है कि G20 में बहुत सारी कंट्रीज पार्टिसिपेट ही नहीं करेंगे। तो दिस इज़ दैट। तो यहाँ हम भी एक लेसन ले सकते हैं कि कैसे हम भी एक्टिवली इन सारे जो वर्ल्ड इवेंट्स में इंडिया के स्टैंड को प्रेजेंट करें, वहाँ पे एक बैलेंसिंग एक्ट करें। तो जैसे अभी शी जिनपिंग है, वर्चुअल समिट हुआ, मल्टीलेटरल ग्रुपिंग भी है यहाँ पे। शी जिनपिंग के साथ अभी डिफ़िकल्टी चाइना के साथ गलवान क्राइसिस की थी इंडिया की। इंडिया का जो कमिटमेंट है ब्रिक्स में वो कंटिन्यूड रहा है। इवन जो शंघाई कोऑपरेशन है उसमें भी हम कंटिन्यूड रहे हैं अपना प्रेजेंस। जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल में चाइना के साथ टेंशन्स हुए, डिस्पाइट दैट हमने SCO और ब्रिक्स दोनों में इंडिया के जो स्टैंड है उसमें कंटिन्यूटी रखी है। जो डिक्लेरेशन हुआ, कंसेंसस डॉक्यूमेंट था, उसमें यूक्रेन इशू में भी इंडिया ने बड़ा प्रैक्टिकल अप्रोच लिया, विच इज़ गुड। ब्रिक्स में न्यू डेवलपमेंट बैंक की बात है, इसके प्रोजेक्ट्स भी सैंक्शन हुए, जैसे रशियन एनर्जी इंफ्रा वगैरह, दिस इज़ न्यू डेवलपमेंट बैंक। और एक है एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, NDB एंड AIIB, दोनों के हेडक्वार्टर्स कहाँ पर हैं टेल। तो हमने एक कॉन्टिंजेंट रिजर्व अरेंजमेंट भी बनाया, ब्रिक्स पेमेंट टास्क का भी बताया। तो नॉर्मल सी यहाँ दिख रही है, रशिया को बिकॉज स्विफ्ट पेमेंट से हटा दिया गया तो मिस्टर पुतिन ने कहा कि हम एक नया रिजर्व करेंसी बनाए, एक पैरेलल बनाए स्विफ्ट का, जिसमें बहुत सारी बास्केट ऑफ करेंसीज और लाइक माइंडेड कंट्रीज, ऑल्टरनेटिव टू डॉलर हम ढूंढें। देन पॉसिबल एडमिशन अर्जेंटीना एंड ईरान का भी बात हुआ ब्रिक्स में। तो ये कुछ पॉइंट्स हुए ब्रिक्स में। G7 मीटिंग में भी बहुत सारे इनिशिएटिव्स हुए। इंडिया ने जो प्राइमरली जिस पे आउटरीच डॉक्यूमेंट्स को रेफ़र किया, मेंशन किया, वो से रिजाइलेंट डेमोक्रेसी, क्लाइमेट न्यूट्रलिटी, इन सब में इंडिया ने यहाँ पे साइन किया। बट जो रशिया को स्ट्रिक्टली स्टैंड लेने का था, इंडिया वहाँ पे नहीं था। रशियन एग्रेशन, अब क्या होता है, इंडो पैसिफिक कोअलिशन की बात कर रहे हैं। जो रशिया चाइना अलायंस तो है ही, और जो इंडो पैसिफिक कोअलिशन लेड बाय USA भी बात है, ये है ब्लू पैसिफिक पार्टनरशिप इन द ब्लू पैसिफिक। तो जैसे कुछ टाइम पहले हमने ऑकस देखा था, वैसे ही ये पार्टनरशिप इन द ब्लू पैसिफिक करके एक नया स्टैंड है, एक नया ग्रुपिंग है, जिसमें US, UK, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, जापान, ये सारे होंगे। लास्ट टाइम ऑकस देखा था हमने, ऑकस प्राइमरली था जैसे न्यूक्लियर सबमरीन ऑस्ट्रेलिया को प्रोवाइड कर रहा था, ऑस्ट्रेलिया, UK एंड USA। तो इस टाइप का जो अलायंस सिस्टम है, जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में देखने को मिलता था, वो फिर से अब देखने को मिल रहा है। इसके अलावा नेटो एक्सपैंड कर रहा है, फिनलैंड, जॉर्जिया, स्वीडन, यूक्रेन, बोस्निया, ये सारे दिस नेटो में एक्सपेंशन अप्लाई कर रहे हैं। तो नेटो एक्सपैंड हो रहा है तो रशिया ऑब्वियसली रैटल्ड होगा और फिर वो काउंटर मेजर्स लेगा। तो इंडिया इन सब में कैसे स्टैंड ले, कैसे नेविगेट करे फॉरेन पॉलिसी। तो इंडिया हैज़ ज्वाइन चाइना एज ग्लोबल इकोनॉमीज दैट हैव मोस्ट इंक्रीज द इनटेक ऑफ रशियन ऑयल। चाइना ने रशिया का ऑयल बढ़ाया, इंडिया ने भी बढ़ाया। साथ ही साथ प्रैग्मेटिक रहा, सस्ता तेल मिल रहा था तो हमने इंपोर्ट कराया। इंडिया ने फर्टिलाइजर, सीमेंट और कमोडिटी रशिया से इंपोर्ट कराना कंटिन्यू रखा। पे किया चाइनीज युआन में भी टू सर्कमवेंट डॉलर सैंक्शंस। इंडिया ने डाइवर्सिफाई कर रहा है अपने डिफेंस परचेजेस भी, बिकॉज रशिया पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंसी डिफेंस का करेक्ट नहीं होगा।
हॉस्टिलिटीज विद चाइना भी ज़्यादा है और रशिया एंड चाइना का नया एक्सेस है, तो इंडिया का इंटरेस्ट है कि वो यूएस क्वाड पार्टनर इंडो पैसिफिक में भी डिफेंस पार्टनर्स ढूंढे। सो दैट इज़ वाई डिफेंस के लिए यूएस से हमने 3 फाउंडेशनल अग्रीमेंट साइन किए, उनके नाम बताइए। 3 फाउंडेशनल अग्रीमेंट अभी हाल ही में यूएस के साथ साइन हुए हैं, उनके नाम क्या है दिस डिफेंस रिलेटेड। मल्टीलेटरल स्टेजेस में भी इंडिया बैलेंसिंग एक्ट कर रहा है, ब्राज़ील, साउथ अफ्रीका, लाइक माइंडेड कंट्रीज, बीजिंग डिक्लेरेशन, रशिया के अगेंस्ट कुछ ऐसा स्टैंड नहीं लिया इंडिया ने यूक्रेन क्राइसिस में। G7 में भी इंडिया की प्रेजेंस थी और हमने अगेन रशिया को क्रिटिसाइज नहीं किया वहाँ पे। अब दिल्ली के लिए ज़रूरी है कि जो हमारी लीडरशिप है वो हम प्रेजेंस दिखाएं इंटरनेशनल अरीना में। जिस तरीके से वर्ल्ड पोलराइज हो रहा है यूक्रेन वॉर के कारण, तो उसमें इंडियन अपनी प्रेजेंस दिखाए। मिस्टर जोको विडोडो ने जैसा किया इंडोनेशियन प्रेसिडेंट, तो क्योंकि अभी इंडोनेशिया में G20 है और देर इज़ अ प्रोबेबिलिटी बहुत सारी कंट्रीज़ यहाँ पे प्रेजेंटेशन नहीं देंगी बिकॉज रशियन प्रेसिडेंट यहाँ पे अपना दिस प्रेजेंस दिखाएंगे, तो ये एक बात है। फिर लाइक माइंडेड कंट्रीज़ को हम गैदर करें बिकॉज UN भी आज की डेट में डिवाइडेड है। UN में रशिया के अगेंस्ट जो भी मूव आया उसमें एक क्लियर कट नहीं था कि सारी कंट्रीज़ ने रशिया को कंडम किया, ऐसा नहीं था। तो द वर्ल्ड इज़ ऑल्सो डिवाइडेड। अब एब्स्टेन करते हैं हम अक्सर, उसके बजाय हम एक स्टैंड लेना चालू करें, ये भी हमारे लिए एक करेक्ट डिसीजन हो सकता है अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग। लाइक माइंडेड पीपल का एक टीम बनाए, जैसे कि ये हमारा इंटरेस्ट एरिया है साउथ अमेरिका टू अफ्रीका, गल्फ कंट्रीज हमारे लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्टनर्स हैं, साउथ एशिया और जो एशियन नेशंस हैं, ये जो लाइक माइंडेड कंट्रीज हैं फ्यूचर अपना दिस सिंक नज़र आ रहा है इनके साथ, इधर हमें ज़्यादा इंपॉर्टेंस देना चाहिए। हॉस्टिलिटीज़ को जहाँ तक हो अवॉइड करना चाहिए, ग्लोबल वॉर जैसी जो सिचुएशन है उसको अवॉइड करना चाहिए, और इंडिया को ज़रूरी है जैसे विडोडो ने किया या फिर जर्मनी के भी जो चीफ हैं ये भी एक्टिवली वर्क कर रहे हैं, यूरोप भी कोशिश कर रहा है कि थर्ड वर्ल्ड वॉर जैसी सिचुएशन डेवलप नहीं हो। तो ये कुछ हालात 1955 जैसे ही लग रहे हैं जब हुआ था बांडुंग कॉन्फ्रेंस और फिर बना था नॉन अलाइंड मूवमेंट, कि ना तो हम फर्स्ट वर्ल्ड ना सेकेंड वर्ल्ड, हम अलग हैं, हम US ग्रुप में भी नहीं है, USSR ग्रुप में भी नहीं है, वी आर इंडिपेंडेंट। तो सच टाइप ऑफ हमें डिप्लोमेसी फिर से दिखाने की अभी ज़रूरत है। ओके, सो दिस इज़ अगेन अ वेरी गुड टेक ऑन दिस इंटरनेशनल रिलेशंस प्रेजेंट डे में सिनेरियोस। यहाँ पे नो लिखा है फार्मा फ्रीबीज अ यस फॉर पब्लिक गुड्स। अक्सर क्या होता है जैसे जो डॉक्टर्स होते हैं MR आते हैं ये उनको गिफ्ट्स देते हैं, कई बार विजिट्स हो रही है इनकी से वैकेशन के लिए हो रहा है या फिर कुछ एक्सपेंसिव गिफ्ट्स दे रहे हैं, सो दैट ये जो मेडिसिंस हैं डॉक्टर्स उन मेडिसिंस को ज़्यादा प्रिस्क्राइब करें, ऐसा प्रैक्टिस एट टाइम्स होता है। तो ये जो फार्माक्यूटिकल कंपनीज भी एट टाइम्स फ्रीबीज देती है, क्या इस पर चेक होना चाहिए, एथिक्स वगैरह यहाँ पे बात है। दिस इज़ टेकिंग स्टॉक ऑफ 5 years ऑफ GST। तो इस पर हमने पहले भी कुछ ही दिन पहले देखा था एडवांटेजेस क्या हैं, डिसएडवांटेजेस, प्रोज एंड दिस प्लस एंड माइनस क्या रहा 5 years ऑफ GST में, उसी को अच्छे से कंपाइल करें। और आज का जो पहला सवाल है, तीसरा सवाल है, दिस इज़ अबाउट प्रिपेयर अ नोट ऑन द 5 years ऑफ GST रिजिम, प्रिपेयर इट। ओके, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इंडिया EU के ग्लोबल डायनमिक्स हैं यहाँ पे, इंडिया एंड यूरोपियन यूनियन, यूरोपियन यूनियन तो है और ब्रेग्जिट के बाद UK भी है, तो UK के लिए भी इंडिया UK की पार्टनरशिप में भी ह्यूज पोटेंशियल है अभी यहाँ पे। ऑल दो UK अपनी इंटरनल जो पॉलिटिकल टर्मोइल है उसके कारण काफ़ी ज़्यादा एंगेज वहाँ हो गया है, तो जो मीटिंग्स होनी थी पहले कोविड के कारण कैंसिल हो गई, मिस्टर बोरिस जॉनसन के इंडिया विजिट तो लेट अस सी आगे किस डायरेक्शन में ये मूव होता है। बियरिंग द बर्डन, यहाँ पे बात है अवेयरनेस फैमिली प्लानिंग की, कॉन्ट्रासेप्शन की, NFHS 5 ने बताया ये बड़ा है, बट मोर एक्सेस यहाँ पे होना चाहिए। ओके, एक्सेस फैमिली प्लानिंग का एंड कॉन्ट्रासेप्शन का दिस शुड बी प्रोवाइडेड। ओके, देन बियरिंग द बर्डन, देन दिस इज 2 decades लो प्राइस हाइक, पावर सब्सिडी, लाइफ एक्सपेक्टेंसी चाइना में 0.6 बढ़ गई है और ये 77.93 है। इंडिया में लाइफ एक्सपेक्टेंसी क्या है लेटेस्ट जो सेंसस है उसके अकॉर्डिंग आंसर। ये है एडवर्टाइजमेंट्स, एडवर्टाइजमेंट्स एट टाइम्स मिसलीडिंग होते हैं, एडवर्टाइजमेंट्स मिसलीडिंग होते हैं, तो देयरफॉर एडवर्टाइजमेंट पे भी एक चेक लगाना ज़रूरी है। तो यहाँ है सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी, इस बॉडी का नाम याद रखना है, जब भी एडवर्टाइजमेंट जैसी कोई बात आए आप इसका नाम लो, सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी।
तो इसने अभी नई गाइडलाइंस दिया है कि जो फॉल्स और मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट होते हैं उस पर एक चेक लगाए, उस पर अलाउ नहीं करें उन्हें, क्योंकि एट टाइम्स क्या होता है, इलॉजिकल कंज्यूमरिज्म हो रहा है, कई बार पाइप्ड ड्रीम्स बेचे जाते हैं, तो ये चीज़ भी हमें करेक्ट करना चाहिए। एट टाइम्स जो स्टूडेंट्स होते हैं वो दे आर लाइक वेरी न्यू, प्रिपरेशन उन्होंने अभी स्टार्ट ही की है। पाइप्ड ड्रीम्स क्या होते हैं कि बस ये एक किताब पढ़ लो, ये कर लो, दिस विल बी सफिशियंट, ये होलिस्टिकली सब कवर कर लेगा। एक्चुअली सफिशियंट जैसा वर्ड तो एग्जिस्ट होता ही नहीं है यूपीएससी प्रिपरेशन में। आप सब पढ़ लो फिर भी देर विल बी अ वेरी गुड चांस कि जो पूछा जाएगा वो उसमें नहीं आएगा। सो ये ऐसा नहीं होता कि ये चार किताबें पढ़ ली बस तैयारी हो गई। द आइडिया इज आपको कॉन्टिन्यूसली पढ़ते रहना पड़ेगा, अपना नॉलेज बेस एक्सपैंड करते रहना पड़ेगा, आपको 360 डिग्री डेवलपमेंट करना पड़ेगा, न्यूज़पेपर डेली पढ़ना पड़ेगा, आपको रीडिंग में भी अच्छा बनना पड़ेगा, राइटिंग में भी अच्छा बनना पड़ेगा, आपको अपनी पर्सनैलिटी में भी काम करना पड़ेगा। सो ये सब चीज़ें फैक्टर्स जब एक साथ क्लिक होंगे देन ऑल्सो आपको एक सर्टेन डिग्री ऑफ से आप बोल सकते हो कि चीज़ें आपके फेवर में हो, देन यू विल से कि चीज़ें आपका जो आप डिज़ायर्ड है वो आपको सिलेक्शन मिलेगा। सो द आइडिया इज ट्रुथ शुड बी टोल्ड, ट्रुथ शुड बी बोल्ड कि दिस जर्नी ऐसा भी नहीं है कि दिस इज़ दैट ईजी। यू हैव टू बी मेंटली इमोशनली प्रिपेयर्ड कि इस जर्नी में हमें एफर्ट्स डालने पड़ेंगे। ये एग्जाम वैसे भी मजबूत दिल वालों का होता है, सो दिस वी हैव टू टेल, दिस शुड बी टोल्ड एट द फर्स्ट प्लेस। तो पाइप्ड ड्रीम्स नहीं होना चाहिए। इससे क्या होता है, स्टूडेंट्स एक जिस माइंडसेट से आते हैं फिर उनको शॉक लगता है तो वो फिर बहुत रॉन्ग हो जाता है। सो दैट इज़ वाई मिसलीडिंग नहीं होना चाहिए। तो द प्रॉब्लम ऑफ मिसलीडिंग बेट सरोगेट, कई बार बच्चों को ज़्यादातर टारगेट करके एडवर्टाइजमेंट बनाए जाते हैं उनके इमोशंस एट्सेट्रा से, तो दिस कॉजेज डैमेज। तो इंडियन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क ने कहा है यहाँ पर एक सर्टेन नॉर्म्स एंड स्टैंडर्ड्स रिक्वायर्ड है। अनइंटेंशनल लैप्स है तो एडवर्टाइजर उसको प्रॉम्प्ट एक्शन ले, जो डेफिशिएंसी है उसको दूर करे। मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट्स होते हैं दिस हैव सॉर्ट, तो यहाँ पर भी एक चेक लगाना ज़रूरी है। फॉर एग्जांपल जैसे जो टॉपर्स सेलेक्ट भी होते हैं, आई होप आपको ये पता होगा कि ऐसा नहीं है कि जितने इंस्टीट्यूट्स में आप उनका नाम देख रहे हो सब जगह उन्होंने एक्टिवली बस केवल उन्हीं इंस्टीट्यूट के कारण उनका सिलेक्शन हुआ है। ये जो सिलेक्शन होता है इसमें 5-10% से ज़्यादा कोचिंग इंस्टीट्यूट मेंटोरशिप गाइडेंस 5-10% से ज़्यादा नहीं होता है। जिस स्टूडेंट का सिलेक्शन होता है 90% वो उसके अपने दम पे होता है, उसकी अपनी मेहनत से होता है। ये जो बुक्स हुआ, रिसोर्सेज हुआ, गाइडेंस हुआ इंस्टीट्यूट्स, ये 5-10% से ज़्यादा नहीं है, दे आर जस्ट अ फैसिलिटेटर। जो रियल डील है वो स्टूडेंट खुद होता है, वो डे नाइट मेहनत करता है देन उसका सिलेक्शन होता है। तो नेवर शाय अवे फ्रॉम वर्किंग हार्ड, यू हैव टू वर्क हार्ड, ओके। तो मिसलीडिंग इनवैलिड, ऐसा नहीं करना है कि बस कोचिंग ज्वाइन कर लिया, 1,00,000 रुपए दे दिए, बस अब सिलेक्शन हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। आपको भी मेहनत करनी पड़ेगी, साइमल्टेनियसली यू विल ऑल्सो हैव टू पुट सम एफर्ट्स, लॉट ऑफ एफर्ट्स, ओके। सो दिस इज दैट। अब सरोगेट एडवर्टाइजमेंट क्या होता है, सरोगेट एडवर्टाइजमेंट मतलब वो एग्जैक्टली जैसे चीज़ बैन है, टोबैको बैन है, तो आप उसको पान मसाला या किसी और दूसरी तरीके से उसको एडवर्टाइज करने की कोशिश कर रहे हो, तो दिस इज सरोगेट एडवर्टाइजमेंट। प्रोडक्ट प्रोहिबिशन एंड एडवर्टाइजमेंट, रेगुलेशन ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स, प्रोडक्शन सप्लाई डिस्ट्रीब्यूशन एक्ट 2003 में इस टाइप के दिस एडवर्टाइजमेंट्स जो होते हैं सरकमवेंट करने की कोशिश करते हैं ग्रे एरिया, वो दिस अलाउ नहीं होना चाहिए, ग्रे एरिया को फिल करें। बच्चों को एट टाइम्स दिस मिस टारगेट किया जाता है, टारगेटेड किया जाता है, तो दिस इज अगेन रॉन्ग। कंज्यूमर एंड दिस उनको एक ग्रूमिंग किया जाता है, ब्रेन वॉश किया जाता है, बताया जाता है कि दिस इज कूल, लाइक दिस प्रोडक्ट इज कूल, दिस डाइट इज कूल, दिस इज दैट एंड दैट, तो दिस अगेन इज रॉन्ग, दिस इज लाइक प्लेइंग विद देयर इमोशंस एंड उनका ग्रूमिंग हो रहा है। सो यहाँ पर वार्निंग होना ज़रूरी है, प्लस पेरेंटल सुपरविजन होना भी बहुत ज़रूरी है। जैसे मिल्क एडिटिव्स में दिखाया जाता है ये खा लो हाइट बढ़ जाएगा, ऐसा हो जाएगा वैसा, दिस इज अगेन मिसलीडिंग। देन दिस इज मार्केटिंग स्ट्रैटेजी होती है यहाँ पे, राइट टू चूज, जो है राइट टू चूज होना ज़रूरी है, मतलब इन्फॉर्म चॉइस होना चाहिए, आपको सब पता है देन आपने इन्फॉर्म चॉइस लिया है देन इट इज़ ओके, सो इन्फॉर्म चॉइस हैज़ टू बी देयर। तो अक्सर जो चीज़ें हैं इसको क्लैरिफाई करने की कोशिश है, कई बार जो सेलिब्रिटीज़ होते हैं या फिर जो स्टूडेंट्स हैं, चिल्ड्रन हैं, उनके जो रोल मॉडल्स हैं वो किसी प्रोडक्ट को एंडोर्स कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली यू विल गो एंड बाय दैट प्रोडक्ट और सर्विस, बट उस पर जो एंडोर्स किया है
जो ब्रांड दिस जो एडवर्टाइज किया है जिस सेलिब्रिटी ने, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। ओके, सो ये पूरा है न्यू रूल्स टू कीप एडवर्टाइजमेंट इन चेक। इसको आप GS2, गवर्नेंस, इन सब से, लॉज, पॉलिटी से भी कनेक्ट कर सकते हैं, और इसको आप GS4 एथिक्स में भी बहुत अच्छे से इनको यूज़ कर सकते हैं, एथिकल एंगल ऑफ दिस एडवर्टाइजमेंट्स। देन ये ट्रेड डेफिसिट है। सी, ट्रेड डेफिसिट इसलिए भी हो रहा है क्योंकि एक तो एक्सपोर्ट हमारा कम हो गया, एक्सपोर्ट कम हो गया क्योंकि वर्ल्ड में डिमांड सबड्यूड है, डिमांड नहीं आ रही है तो हम कैसे बेचें, एक्सपोर्ट नहीं हो रहा है। प्लस जो इम्पोर्ट है, इम्पोर्ट हमारा पहले जितना था ऑलमोस्ट वैसा ही है, बट डॉलर स्ट्रांग हो गया, रुपी वीक हो गया, और क्रूड ऑयल की प्राइसेस भी बढ़ गई। वर्ल्ड में अभी लॉजिस्टिक्स चैलेंजेस थे लॉकडाउन कोविड के कारण, साथ ही साथ कमोडिटी प्राइसेस का भी शॉर्टेज हो गया, कमोडिटीज़ का शॉर्टेज हो गया, प्राइसेस बढ़ रही है, डिमांड एंड सप्लाई। तो बिकॉज ऑफ दिस जो क्वांटिटी है वो तो उतनी है बट उसका कॉस्ट बढ़ गया है, तो उससे ट्रेड डेफिसिट इंडिया का काफ़ी ज़्यादा हो गया। दिस इज़ द प्राइमरी रीज़न। ये नो योर इंग्लिश है, यहाँ पर लिखा है जैसे ऑफिंग है, ऑफिंग मतलब ये होने वाला है, लाइकली टू अपियर इन साइट। ओके, कैबिनेट रीशफल इन द ऑफिंग, कैबिनेट अभी रीशफल हुआ। देन गुड बुक्स पढ़ना बहुत ज़रूरी होती है। सी, डिक्शनरी से हम वर्ड मीनिंग समझ जाते हैं बट जो कॉन्टेक्चुअल मीनिंग है ना वो किताबें पढ़ने से आता है, तो रीडिंग इज इम्पॉर्टेंट। फिनिश, देर इज अ सेंस ऑफ कंप्लीशन एब्सेंट इन द एंड स्टार्टिंग ट्रबल। ओके, कम अप रोजेज, इसका मतलब है टू कम आउट परफेक्ट, इट वॉज अ मार्वलस फंक्शन, एवरीथिंग केम अप रोजेज। आप बहुत अच्छे से पढ़ाई करो, फाइनल रिजल्ट जो भी होगा, दिस विल केम अप रोजेज, सब एकदम परफेक्टली अकॉर्डिंग टू प्लान हो जाएगा। गिफ्ट एंड प्रेजेंट में क्या डिफरेंस होता है? प्रेजेंट एक पर्सनल और लेस फॉर्मल होता है, गिफ्ट थोड़ा ज़्यादा फॉर्मल होता है, जैसे कि गिफ्ट टैक्स हुआ। ओके, प्रेजेंट टैक्स नहीं बोलेंगे अपन। बर्थडे प्रेजेंट है, वेडिंग प्रेजेंट है, गिफ्ट का चेक है, गिफ्ट का वाउचर है, तो गिफ्ट फॉर्मल है, प्रेजेंट थोड़ा इनफॉर्मल है। ये कुछ क्वेश्चंस थे। 14th दलाई लामा वॉज प्रेजेंटेड दिस अवार्ड, नोबेल पीस प्राइज 1889 में। मिडिल वे अप्रोच होता है, बुद्धिज्म में भी बोलते हैं मध्यम मार्ग। बोधिसत्व होता है, ये वो पर्सन होता है हु इज ऑन पाथ ऑफ टूवर्ड्स बुद्धाहुड, और ये लोगों की हेल्प भी करता है। देन अनुष्का शंकर ने एल्बम रिलीज किया था 14th दलाई लामा, दलाई लामा इज अ पोस्ट। देन तवांग अरुणाचल प्रदेश में, यहाँ पर तिब्बतन अपराइजिंग हुआ था, तो दलाई लामा जी, प्रेजेंट दलाई लामा जी यहाँ से तिब्बत से इंडिया एस्केप हुए थे। मैक्लोडगंज में अभी यहाँ पे है, दिस सबर्ब हिमाचल प्रदेश में है ये। देन दलाई लामा जी इनकारनेशन ऑफ द स्पिरिचुअल बींग अवलोकितेश्वर कहते हैं। ओके, बुद्धिज्म के बारे में एक शॉर्ट नोट प्रिपेयर करिए, बुद्धिज्म के बारे में एक शॉर्ट, वेरी शॉर्ट नोट, बुद्धिज्म क्या है, त्रिपिटिका क्या होते हैं, चार बुद्धिस्ट काउंसिल कौन सी हुई, और बुद्धिज्म रिलेटेड जैसे महायान, हीनयान, वज्रयान क्या है। तो वेरी वेरी शॉर्ट नोट जो फैक्ट्स हैं गौतम बुद्धा एंड बुद्धिज्म के बारे में, ट्राई टू आंसर। एट फोल्ड पाथ क्या होता है, फोर नोबल ट्रुथ्स क्या होते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बुद्धिज्म। देन दिस इज नेक्स्ट पेज, पीटी उषा जी एंड दिस इज इलाया राजा जी अमंग फोर पिक्ड अप राज्यसभा। राज्यसभा में कुछ नॉमिनेटेड मेंबर होते हैं, नॉमिनेटेड मेंबर, इनकी संख्या कितनी होती है टेल, और नॉमिनेटेड मेंबर्स का क्राइटेरिया क्या होना चाहिए नॉमिनेटेड मेंबर्स का टेल, राज्यसभा, और राज्यसभा कितने सालों में डिसॉल्व होती है ये भी बताइए, जैसे लोकसभा हर 5 साल में हो जाती है तो राज्यसभा के लिए कितने साल है। देन कोविड प्रिकॉशन डोज अब 6 महीने में भी हो सकता है, MSP कंटिन्यू रहेगा, RBI ने फॉरेक्स इनफ्लो रूल्स चेंज कर रहा है बिकॉज थोड़ा डिफिकल्टी आ रहा है, फॉरेक्स भी हमारा कम हो गया, तो बिकॉज रुपी भी वीकन हो रहा है, तो दिस इज दैट। इन्फ्लेशन FMCG सेक्टर सबसे हार्ड हिट हुआ है, FMCG। देन दिस इज डायरेक्टर एंड दिस इज 1 बिलियन रेवेन्यू, TVS का रॉनिन नई बाइक आई है, एंड दिस इज इंग्लैंड टूअर, नडाल पहुंच गया सेमीफाइनल में, एंड दिस इज द हिंदू। ऑल राइट, सो दिस इज टूडेज न्यूज़पेपर। एक और इन्फोग्राफिक है, दिस इज टोपोग्राफी मैप ऑफ इंडिया। अब देखो ये जो पार्ट दिख रहा है ये एलिवेटेड है ना, ये एलिवेटेड पार्ट बिकॉज यहाँ नेपाल आ जाता है, अदरवाइज दिस इज इन कंटिन्यूएशन, ये यहाँ पर फिर भूटान आ जाएगा, दिस इज सिक्किम, ये नॉर्थ ईस्ट इंडिया से आ जाएगा। तो यहाँ एक सिंटेक्शुअल बेंड है, यहाँ एक सिंटेक्शुअल बेंड है, और ये पूरा हो गया हिमालय, एक पार्ट ये हुआ।
दूसरा पार्ट जो एलिवेटेड होता है ये डेकन का, ये पूरा प्लेटू होता है डेकन पेनिनसुला। तो सी यहाँ अरावली से ऐसे स्टार्ट हुआ, यहाँ पर हुआ, यहाँ एक मालदा है, क्या ये मालदा भी डेकन का पार्ट है? आंसर, ये अलग दिख रहा है बट क्या ये इसका पार्ट है? आंसर, तो ये जो दिख रहा है आपका वेस्टर्न घाट एंड दिस इज ईस्टर्न घाट एलिवेटेड, ये जो पूरा है दिस इज लाइक दिस टोपोग्राफी। बाकी ये जो प्लेन दिख रहे हैं यहाँ देखो पॉपुलेशन भी बहुत ज़्यादा है बिकॉज दिस इज गैंगेटिक प्लेन और दिस इज इंडस रिवर वाले प्लेन, इंडस सिस्टम के प्लेन, तो यहाँ पॉपुलेशन भी ज़्यादा है, फर्टाइल लैंड है, प्लेन है, तो दिस इज दैट, यहाँ एलिवेशन ज़्यादा है। तो ये कौन सा मैप हुआ? ये टोपोग्राफी मैप ऑफ इंडिया हुआ, एलिवेशन बता रहे हैं। ओके, सो दिस इज टुडेज न्यूज़पेपर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर, स्टडी वेल एंड बी सेफ।